हेलो दोस्त लोगों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव पंच। बहुत दिन बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ख़ास बात है, बात ऐसा है कि मैं 2 साल से तो चला रहा हूँ, 21-22 हज़ार किलोमीटर चल गया। एक नया दिक्कत सामने आ रखा है, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। माइलेज स्टार्टिंग के दौर पर जो मिल रहा था टाटा वालों ने, तो सही दावा किया था, अच्छा चल रहा था। ये मेरा 4th सर्विस लग चुका है, उसके बाद की कहानी है। क्या है, जो हम लोग पहले सिटी में चलाते थे, मेरे को 14-15 का एवरेज आ ही रहा था माइलेज, ट्रैफिक होने के बावजूद भी हैं, और हाईवे पे 21-22 एवरेज मिल जाता था माइलेज। क्या हुआ है ना, कुछ दिनों से मेरे को वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, जब से 4th सर्विस लग चुका है। या तो इंटरनली इंजन में कुछ हो सकता है, कुछ पुराना भी हुआ है, तो ज़्यादा सेल भी रहा हो, माइलेज कम दे रहा हो थोड़ा सा पहले के मुकाबले में। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हर गाड़ी का एक ट्रैक्टर होता है, एक खासियत होती है, एक टैगलाइन होता है। तो इस गाड़ी का टैगलाइन ये है कि एक तो टैंकर है, ये लोहा ही लोहा है, ठीक है, वो तो है, लेकिन जो माइलेज वाला जो एवरेज है ना, ये जितना बरकरार होना चाहिए था अदर जैसे कंपेरिजन, तो अदर कार जो अदर ब्रांडेड के कार्स है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपको माइलेज मिल रहा है तो बाद में भी देता ही है, बल्कि माइलेज और बढ़ जाते हैं, इसमें घटे जा रहे हैं। तो एक बार चेक कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हो सकता है, 4th सर्विस के बाद मेरा एवरेज सिटी में 10-12 ही दिख रहा है, जब यहाँ पे 14-15 आते थे ना, 10-12 ही आ रहे हैं, कभी कभी 8 पे भी दिखता है मेरे को, ठीक है। हल्का फुल्का ट्रैफिक में 8 नहीं दिखना चाहिए, एटलीस्ट 12-13 तो दिखना चाहिए था। ये मैंने पिछले 1 हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ। मेरे को लगा था ठीक है, हो गया होगा, ठंडा दिन है, पेट्रोल टाइट हो रखा होगा अंदर ही, मतलब मान के चलो, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब दिल्ली तो ठंडा नहीं है ना, कभी दिल्ली में भी, ये दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में गर्मी में गर्मी, ठंडे में ठंड, दोनों अलग कहानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना डाउट सा फील हो रहा है कि मेरे इसमें इंजन में सब कुछ ठीक है या नहीं है, लेकिन आवाज़ भी वैसा ही है, लेकिन आवाज़ थोड़ा सा स्पीड है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 1 dBs 2 dBs मान के चल सकते हो, तो वॉइस वॉल्यूम मीटर करते हैं ना। लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ कार से, माइलेज वाला जो अभी 1 हफ्ते से मेरे को देख रहा है, उसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क तो है माइंड में, शायद आप लोगों के साथ भी हो। अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, अगर ऐसा ही है तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चलो ठीक है कि अदर कार्स में भी ये है, तो इस कार के करेक्टर ऐसे हैं। अगर नहीं है तो ज़रूर बताना कि मेरे आपके साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, पर मेरे साथ ही हुआ है, तो फिर मेरे को ना सर्विस सेंटर पर, सर्विस सेंटर से एक बार क्लैरिफिकेशन और लेना पड़ेगा कि कहा नहीं है, इतना तो कम नहीं हो सकता। और 4th सर्विस के बाद कितना होगा, 700-800 किलोमीटर चलना है, सर्विस होने के बाद 700-800 किलोमीटर ही चल रहे हैं। जब सर्विस करके लाए थे ठीक चल रहा था, अभी हुआ रहे हैं पिछले हफ्ते से, अभी दिसंबर के मिडिल हैं, दिसंबर के मिडिल की बात कर रहा हूँ, तो समझ ही सकते हैं कितना दिन पहले की बात कर रहा हूँ। बताना जरूर से। बनाएंगे वीडियो, वैसे मैं हमेशा ना पॉजिटिव चीज़ें वीडियो बनाता हूँ, नेगेटिव चीज़ नहीं बनाता। वैसे जो कार चलाते हैं वो फिर माइलेज भी नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर हाथी खरीद के दाना नहीं खिला पाते हैं तो बात वो नहीं, बात है कि एक गाड़ी का ना एक अलग ही लेवल होता है,
इसमें इतना एवरेज मिलना ही मिलना है इस कंडीशन में। मैंने सारे कंडीशन में चला के देख लिया, हैवी से हैवी ट्रैफिक भी देख लिया उसमें भी चला लिया, नॉर्मल ट्रैफिक उसमें भी चला लिया, ठीक है। डिस्टेंस कितने टाइम में मैं उसमें कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है, कितना स्पीड में चला रहा हूँ, बिलो 80 में चला रहा हूँ कि अबव 80 में चला रहा हूँ, सब कुछ मेरे माइंड में कैलकुलेटेड है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस मिला है उस पे ही मैं बात कर रहा हूँ। 60 से लेके 80 के बीच में मैंने चलाया हूँ कि मेरे को फुल फ्यूल एफिशिएंसी मिले चेकिंग करने के लिए। हाँ, 80 प्लस नहीं किया हूँ और बिलो 60 भी नहीं किया हूँ, नॉर्मल। उसमें भी थोड़ा सा डिटेक्ट है, मतलब वो है जितना आना चाहिए था नहीं आया। और अगर ट्रैफिक एरिया है जहाँ पे 10 स्पीड 20 स्पीड 25 स्पीड 30 स्पीड मैक्सिमम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रैफिक होगा, रेड लाइट आ जाते हैं, ब्रेक मारना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कैलकुलेटेड है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है पिछले एक हफ्ते से, मतलब एक दिन दो दिन के बाद होता तो समझ में आता चलो शायद हो गया हो, या तो मैंने ड्राइविंग परफॉर्मेंस में खराबी हो। कंटिन्यूसली अगर एक हफ्ते से है माइलेज एवरेज माइलेज इशू, तो कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा इसमें सेटिंग वगैरह में इंजन की। हाँ, या तो अंदर कोई पाइप वगैरह में ऊपर नीचे हो गया हो, देखना पड़ेगा। और वो इन चीज़ों का नॉलेज तो है नहीं, सर्विस सेंटर वाले जो बताएंगे उनको मानना पड़ेगा, या तो जो वहाँ पर सर्विस इंजीनियर हैं वो चेक करके बता पाएंगे, वो चला के ड्राइव लेके खुद चेक कर सकता है। जाने वाला हूँ इसी हफ्ते में, फिर पता लग जाएगा, जो भी होगा बता दूँगा, बट कमेंट करके बताइएगा आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।